दोस्तों स्वागत है आपका प्रवक्ता न्यूज नेटवर्क में। इस समय हम मऊ के माने जाने चिकित्सक नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एनके सिंह साहब के साथ हैं और उनके साथ जानेंगे कि आजकल जो आई फ्लू चल रहा है उसका निवारण क्या है। धन्यवाद सर। आजकल मऊ में आई फ्लू चल रहा है जिसमें आंखें लाल हो रही हैं, तो इसका क्या समाधान है? देखिए, मऊ में नहीं फैला, ये चारों तरफ ये एपिडेमिक हुआ है। एक तरह का एपिडेमिक शब्द मेडिकल साइंस में प्रयोग करते हैं, तो मेडिकल एपिडेमिक का मतलब ये एक तरह की बीमारी जो चारों तरफ फैली हुई है इक्वल इंटेंसिटी से चारों तरफ फैली हुई है। तो केवल मऊ में नहीं, ये पूरे इस क्षेत्र में कही है, तो उत्तर प्रदेश तो है ही, इवन देश में भी कई प्रांतों में फैली हुई है। और ये बीमारी जो है, इसको आई फ्लू के नाम से भी जानते हैं, ये वायरस कीटाणु होता है, वायरस विशेषकर जो है एक एडिनो वायरस होता है या कुछ और भी वायरसेस होते हैं जिसकी वजह से जो है ये बीमारी जो है फैलती है। और ये एक जगह से दूसरे से बहुत हाईली कंटामिनेटिंग है। ये बीमारी एक जगह से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक जगह से दूसरे जगह तक बहुत ही तीव्र गति से जो फैलती है ना। और इसमें जो लक्षण हो रहे हैं कि कभी कभी बहुत हल्के भी लक्षण होते हैं, कभी सीवियर भी लक्षण हो रहे हैं। हल्के लक्षण में आंख लाल हो जाती है, पानी आने लगता है, खुजली होती है, इरिटेशन होने लगता है, ये चीज़ों। कभी कभी ज़्यादा हो जा रहा है तो उसमें जो है आंख सूज जा रही है, पलके सूज जा रही हैं, पीला पीला कम लेकिन वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा आता है, पलके जो चिपकी रहती हैं, तो दर्द भी होता है इसमें जो है सीवियर होने पर जो है। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं जो है। तो ये बीमारी इस आजकल पूरी एरिया में फैली हुई है और काफ़ी लोग इससे प्रभावित हैं। तो सर इससे बचाव क्या हो सकता है? बचाव इसमें ये कर सकते हैं कि यदि जो व्यक्ति जिसको मान लीजिए हुई है उससे अब थोड़ा दूरी बनाए रहे, दूसरे लोग जो दूरी बनाए, या जहाँ मास में लोग हैं, एक व्यक्ति उसमें इन्फेक्टेड है तो पूरे, जैसे स्पेशली जैसे स्कूल में बच्चे हैं, क्लास में किसी एक बच्चे को हो गया, दो बच्चों को हो गया, तो पूरे बच्चों को होने की संभावना बनी रहती है। घर में यदि आप हैं कि एक सदस्य को, किसी को यदि ये हो गई तो दूसरे सदस्यों के प्रभावित होने के जो है चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो बचने के लिए है कि जिसको हुई है उससे तो एक तो दूरी बनाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे घर में हो गया, तो घर में हो गया तो जो उपयोग की चीज़ें हैं जैसे टॉवल है, हैंगर चीफ है, रुमाल है, वो कोई व्यक्ति मान लीजिए प्रभावित व्यक्ति प्रयोग करे, उसी को दूसरा आदमी प्रयोग न करे। बाथरूम में नहा रहे हैं तो जो पानी है, मान लीजिए कोई नहा के गया, उसी में थोड़ा पानी बचा हुआ है जिसको पहले से हुआ है, और उसी पानी से और मिला करके दूसरा व्यक्ति, उसको भी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बचने का तरीका यही है कि जिसको जो व्यक्ति प्रभावित है, इन्फेक्टेड है, उससे आप एज मच एज पॉसिबल दूरी बना के रखें जो है, और कपड़े हैं या और भी वस्तुएं जो उसके टच में हैं उसको साफ सुथरा ढंग से रखें, हाइजीन मेंटेन करें, ये बचाने का इसका तरीका है। और जिसको यदि हो गया तो उसको जो है आप ठंडे पानी से, क्योंकि ये वायरस है, इस पर कोई ऐसी दवा नहीं है जो उस वायरस को मार देगी, यदि कुछ भी नहीं करेंगे तो भी जो है हफ्ते से लेकर के 2 हफ्ते, किसी की कभी कभी 3 हफ्ते भी लग जा रहे हैं, लेकिन हफ्ते से 10 दिन के बीच में काफ़ी अपने से हल्के रूप में है तो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन चूंकि तो उसमें डिस्कम्फर्ट होगा, जलन होगी, लाल रहेगी, पानी आएगा, इरिटेशन होगा, तो कभी कभी दर्द होगा, तो इन सब सिम्टम से छुटकारा पाने के लिए कि दवा का प्रयोग किया जा सकता है। ठंडे पानी से वॉश करिए, जो एंटी हिस्टामिन दवाएं जिससे इरिटेशन कम होगा वो आप प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरस है साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें ज़्यादा सूज जाएंगी, मोटापन आएगा, पानी आएगा, डिस्चार्ज पीला आ सकता है, तो उसमें एंटीबायोटिक भी प्रयोग कर सकते हैं, एंटीबायोटिक ड्रॉप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चूंकि इरिटेशन होता है, जैसे लग रहा चुभन होती है, तो इसमें लुब्रिकेट आर्टिफिशियल आई ड्रॉप आती है, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स है, तो उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और यदि उस मान लीजिए घरेलू इलाज से या हल्के इलाज से या जो कॉमन दवाएं हैं उससे नहीं ठीक होता है, तो आप डॉक्टर से संपर्क करिए, विशेषज्ञ से संपर्क करिए, उससे उचित इलाज प्राप्त करिए, तभी जाके ठीक होगा। सर इसके अलावा भी एक प्रॉब्लम है जो कुछ लोगों में देखी जा रही है कि सुबह उठते हैं तो उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, और कहते हैं वो कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने आप कम भी हो जाता है। तो सर इस तरीके के केसेस के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सुबह में जो एलर्जिक कुछ समझते, कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होती है, तो पर्टिकुलर किसी चीज से मान लीजिए जैसे डस्ट है, स्प्रे है, सेंट है, या घर में गद्दे हैं उसमें धूल वगैरह जो निकलती है, रजाई से जो रहते हैं, उनसे कभी कभी सेंसिटिविटी लोगों को होती है। तो एलर्जिक यदि कोई चीज़ से कोई है
तो उनमें जब उन वस्तुओं के हल्के फुल्के कांटेक्ट में कभी यदि व्यक्ति आता है तो आंखें रेड हो जाएगी, इचिंग होगा, खुजलाहट होगी और बहुत ज़्यादा इसमें पेन वगैरह नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ हो सकती है। या पर्टिकुलर किसी केमिकल से, मान लीजिए कोई पाउडर या क्रीम या कोई चीज़ आप आँख में लगा, चेहरे पर लगा रहे हैं, उससे आपको सेंसिटिविटी है तो उसमें भी आँखें लाल हो सकती हैं। लेकिन ये एक पर्टिकुलर उड़ते हैं तो हर आदमी की आँख लाल, ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है। ठीक, थैंक यू।